वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कल यानी 11 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मामला तर्णब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, डायरी नंबर 39986 ऑफ 2023। ठीक है, मामले को सुना गया और इसमें जस्टिस थे ऑनरेबल अनिरुद्ध बोस जी और ऑनरेबल सुधांशु धूलिया जी। 3 बजे के लगभग सुनवाई शुरू हुई, 15-20 मिनट सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इस मामले को डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस्ड यानी कि खारिज कर दिया गया इस याचिका को। अब खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, इसका मतलब क्या है ये हमें समझना है। क्या बीएड जो नियुक्त हो गए हैं या जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं वहां से बीएड बाहर हो गया, क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो ये हम लोग समझेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार से बताई जा रही हैं। क्या 28 जून 2018 के बाद जो भी बीएड प्राइमरी में नियुक्त हुए पूरे देश भर से, क्या सबके सब बाहर हो गए हैं? तो डिस्कस करते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा, कम समय लूंगा लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो मामला था ये अर्णब घोष का था, आप लोगों को पता ही होगा, पश्चिम बंगाल से मामला आया था। मेनली ये मामला था ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर। जो विज्ञापन 11 अगस्त 2023 के पहले आए थे और उस समय बीएड प्राइमरी में एलिजिबल था, यदि वो भर्तियां ऑनगोइंग चल रही थी, नोटिफिकेशन पहले आया था, उस समय बीएड प्राइमरी में एलिजिबल था, वो भर्ती 11 अगस्त के पहले कंप्लीट नहीं हो पाई। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि बीएड प्राइमरी में अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये अभ्यर्थी प्राइमरी में नियुक्त हो सकती हैं? क्योंकि जब विज्ञापन आया तो उस समय के उस कंडीशन के आधार पर आया, उस नियम पर आया, उस शर्त पर आया और उस समय बीएड प्राइमरी में एलिजिबल था, तो ये याचिका थी। और इस बात को आप समझिएगा कि कोई भी याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो उसका कुछ खास प्रेयर होता है, जो आप प्रे करते हैं सुप्रीम कोर्ट उसी को सुनती है। यदि आप उसे दाएं बाएं जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आप उसका अलग SLP लेकर आइए। बात को आप समझिएगा। तो जो अर्णब घोष वाला मामला था वो ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डिसमिस कर दिया, यानी कि सुनने से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इस मामले पर कोई दिशा निर्देश नहीं देंगे और जो मांग की जा रही है उसे हम खारिज करते हैं। यानी कि ऑनगोइंग भर्तियों में बीएड को राहत नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। और इसका ये भी आप मतलब समझिएगा कि जो मामले अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहे हैं वहाँ पर चलते रहेंगे। जिस राज्य की भर्ती है वहाँ के हाई कोर्ट में यदि मामला है तो वो वहीं से निस्तारित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर, कोई दिशा निर्देश नहीं दिया किसी राज्य के हाई कोर्ट को, और ऐसा हो पाना भी काफ़ी मुश्किल था क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन होती है। एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता था सभी राज्यों के लिए? और सारे मामले को सुनने के बाद फाइनली से डिसमिस किया गया है, यानी कि कोई भी दिशा निर्देश, कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया बीएड के लिए, ये खतरे की घंटी है, ये बात आप समझिएगा। लेकिन जो मामले जहां पर सुने जा रहे हैं वहां पर सुने जाएंगे और उस हाई कोर्ट से जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो मान्य किया जाएगा उस राज्य में। ठीक है, और जो पहले से चयनित बीएड हैं उनका इस वाले मैटर से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, उसके लिए अलग SLP जाएगी तो उस पर सुनवाई होगी। जैसे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो गुड्डू सिंह वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है, जब उसकी सुनवाई होगी तो उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड प्राइमरी में चयनित हैं उस पर फिर ये सुनवाई होगी, वो स्पेशल उस भर्ती के लिए होगी। तो चीज़ों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा आशा करता हूँ। साथ ही साथ बिहार की बात करें, छठे चरण में जो बीएड अभ्यर्थी नियुक्त हैं 125 में, पटना हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि बीएड अभ्यर्थी अपने पद पर नहीं रह सकते और उसी भर्ती की मेरिट लिस्ट से डीएलएड अभ्यर्थियों को छठे चरण में 125 में नियुक्ति दी जाए। पटना हाई कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि बीएड प्राइमरी में वहां नहीं पढ़ा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने के लिए बाध्य हैं आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग। तो बिहार में स्पेशली ज़्यादा खतरा बढ़ गया है 6th phase में बीएड अभ्यर्थियों के लिए। सरकार ने आंकड़े भी जुटाए तो पता चला कि 10,000 के लगभग बीएड अभ्यर्थी हैं जो 125 में नियुक्त हैं छठे चरण में। नियुक्त हुए थे 22,000 लेकिन फिलहाल 10,000 के आसपास ही संख्या है क्योंकि बाकी अभ्यर्थी 7th phase में नियुक्त हो गए, कुछ लोग कहीं और नियुक्त हो गए, कुछ लोग BPSC जो मेन एग्जाम होता है क्वालिफाई करके किसी और बेहतर पोस्ट पर चले गए, यानी कि लगभग 12,000 अभ्यर्थी कहीं और चले गए। फिलहाल 10,000 कार्यरत हैं और उन पर खतरे की घंटी है क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि आप नहीं पढ़ा सकते। लेकिन बिहार सरकार ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उन्होंने कह दिया कि हम SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इन अभ्यर्थियों की बात वहां रखेंगे, सरकार बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचाने की कोशिश करेगी क्योंकि नियुक्ति उन्होंने कराया है और ये होना भी चाहिए। ऑर्डर फाइनल जो भी आए एक बार तो अपनी तरफ से कोशिश होनी ही चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएं और इन अभ्यर्थियों की बात रखें। लेकिन फिलहाल जो 11 जनवरी वाला मामला है अर्णब घोष वाला, ये मेनली ऑनगोइंग भर्तियों के लिए था। DLED के वकीलों ने यहाँ पर साफ कहा कि जब वो आधार ही रद्द हो गया है 28 जून 2018 का, गजट नोटिफिकेशन क्वेश हो गया,
माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, तो कैसे बीएड प्राइमरी में रह सकता है। इस पर बीएड के जो वकील थे प्रशांत भूषण जी, उन्होंने ये कहा कि ये अभ्यर्थी टेट पास हैं, ब्रिज कोर्स करके ये प्राइमरी में एलिजिबल हो सकते हैं। इस पर बिल्कुल साफ साफ जज साहब ने कहा कि ब्रिज कोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है और बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की बात ये सुन सकते हैं, 11 जनवरी का ये क्लिप है। Education for elementary school team. They are only qualified for elementary. The entire other classes are open for you. Even for elementary education, 6, 7, 8 you are qualified. Then you are qualified for secondary, higher secondary. Do whatever you want to. This is the only space they have. Let them do it. But the majority of the states are here. Majority of the states are here, and there are many of these people who applied pursuant to the advertisement of 2020. They would be overage now for any other. You are saying, what are you focusing on? You are focusing ultimately on employment. Yes. The entire focus of the education. No, not on education. Education is them. The entire focus of the Right to Education Act was on quality education. And the quality education is for elementary classes, diploma, and not you. You're not qualified. Yes. You have not been trained to teach elementary classes. So that is because we have held that. How can we say that you... That's why the bridge course. That's why the bridge. There's nothing like bridge course. And that's all. The only reason why I'm saying... Don't even have any bridge course. For a minute. Just give me a minute. As you know, we will not seek any modification of judgment. I want to give you a bit different perspective. तो ठीक है दोस्तों, यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।